ग्वालियर में 11 साल की नाबालिग को धमकाकर मौसा बलात्कार करता था, जिससे घबराकर लड़की घर छोड़कर भाग गई थी। 2 महीने तक यह चुप रही, लेकिन जब वन स्टॉप सेंटर में पहुंची तो उसने घटना का खुलासा कर दिया और उसकी शिकायत पर कंपू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता नाबालिग का घर डबरा में है, पिता विकलांग है और माँ के साथ हरियाणा में मजदूरी कर गुजर बसर करते हैं। घर में उसके अलावा 3 बहनें और हैं। पिछले साल मौसी की लड़की की शादी थी, उसके बाद माता पिता ने उसे मौसी के घर भेज दिया। मौसी दिन में स्कूल में खाना बनाने जाया करती थी, मौसा घर पर ही रहता था। इसका फायदा उठाकर मौसा धमका कर बलात्कार करता था और किसी को ना बताने के लिए जान से मारने की धमकी देता था। मौसा की हरकतों से तंग आकर वह घर छोड़कर डबरा भाग आई, जहाँ से ट्रेन में बैठकर ग्वालियर आई, जहाँ एक व्यक्ति ने उसे अकेला पाकर पुलिस के हवाले कर दिया, जहाँ से उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया, जहां उसकी चुप रहने पर जब पूछा गया तो मामले का खुलासा हुआ। थाना कंपू क्षेत्र में महिला सुधार गृह है। महिला सुधार गृह से एक पत्र प्राप्त हुआ, जो महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा सूचना दी गई थी कि एक बालिका द्वारा सूचना दी गई है काउंसलर को कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। बालिका से पूछताछ करने पर महिला अधिकारी को बताया कि उसके साथ उसके मौसा ने, जो मगरौनी जिला शिवपुरी के रहने वाले हैं, उनके दुष्कर्म किया है और करीब 10-12 बार किया है। पुलिस ने इस सूचना पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध कर ली है और अग्रिम कार्रवाई के लिए उसे मगरौनी पर पहुंचा रहे हैं। आरोपी गिरफ्तार किया, शिवपुरी जिले का आरोपी है। शिवपुरी को संबंधित जिले और थाने को सूचना दे दी गई।